टाइम टेबल इन वर्ल्ड। ये टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद नींदें उड़ जाएगी रातों की। बाप भाई ऑफ टाइम टेबल, अब आग लग जाएगी, अब तुम्हें नींद ना आएगी। असली टाइम टेबल, नकली टाइम टेबल, असली सच, खराब सच, अरे हो क्या रहा है बेटा। ये एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर बच्चे को अभी ये दिक्कत होती है कि मैम टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, आप प्लीज टाइम टेबल बना दो। बेटा लिसन वेरी केयरफुली, हर इंसान यूनिक है, हर चाइल्ड यूनिक है, एंड हर स्टूडेंट की लाइफ की अलग अलग कंडीशन होती है। उनकी फैमिली कंडीशन अलग होती है, उनका सुबह उठने का, रात को सोने का टाइम अलग होता है। किसी के यहाँ पे डिनर 5 बजे हो जाता है, किसी के 7 बजे, और किसी के रात को 10 बजे आता है। किसी के पापा बिजनेसमैन हैं, किसी के पापा इंजीनियर हैं, किसी के पापा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हर फैमिली की कंडीशन अलग होती है, हर एक बच्चे का सपना अलग होता है, उसके सरकमटेंसेस, उसकी सराउंडिंग अलग होती है। तो आपका अपना टाइम टेबल भी अलग होगा, वो भी एक यूनिक टाइम टेबल होगा। आपको अपना टाइम टेबल खुद से बनाना होगा, किसी YouTube वीडियो को देखकर नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि कैसे आप अपने डेली रूटीन को, अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सको, इफेक्टिव बना सको, ताकि जहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए छोटी छोटी डेली रूटीन की चीज़ों में, उस टाइम को भी आप प्रोडक्टिवली किसी काम में यूज़ कर पाओ। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को आज से 3 और 4 साल बाद कहाँ पर देखते हो, किस कॉलेज में देखते हो, किस लेवल पे देखते हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बनना क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका लाइफ में एम क्या है। तो सबसे पहले अपने एम को डिसाइड करो, और एम को जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल है, आपका स्टडी कॉर्नर है, चाहे वो बेड हो, चाहे वो टेबल चेयर हो, चाहे वो नीचे बिछाया हो एक जमीन पे, एक फर्श हो, आपको अपना गोल डिसाइड करके सामने चिपका देना है कि आफ्टर 4 to 5 years यू हैव टू गो इन दिस कॉलेज, यू हैव टू बिकम दिस। तो आपने अगर अपना गोल डिसाइड कर लिया, तो अब उस गोल को लेके रियलिस्टिक प्रैक्टिकली आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि हर बच्चे के गोल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, आपको अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो आपको ऑफकोर्स 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में सिर्फ 24 आवर्स होते हैं, जिसमें से इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 7 घंटे तो आपके, 7 से 8 घंटे आपकी नींद को जाते हैं। आपको सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो 7 और 8 घंटे अगर आप 24 आवर्स में से सोते हो, तो जो रिमेनिंग आपके 16 घंटे बचे, उन 16 घंटों का आपको प्रोडक्टिवली इफेक्टिवली यूज करना है, मैक्सिमम आपको अपने गोल को पाने के लिए लगाना है। अगर और बेटा जो बड़ा गोल है, वो एक दिन की तपस्या से पैदा नहीं होता, एक दिन की तपस्या से पूरा नहीं होता, आपको उस गोल को पाने के लिए एवरी डे अपना एफर्ट्स, लिटिल एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा, और वो लिटिल एफर्ट्स डालेंगे आप अपने टाइम टेबल के थ्रू, और वो आपका टाइम टेबल यूनिक होगा। आपको अगर आप अर्ली बर्ड है, सुबह जल्दी उठते हो, तो उठने से ही आपको 2 घंटे जो होते हैं वो अपने ड्रीम को देने, जो आप बनना चाहते हो, आपके इफेक्टिव टाइम टेबल के अंदर अर्ली आर 2 to 3 hours आपको अपनी पढ़ाई पे देने। अगर आप स्टूडेंट हैं अभी 9th-10th में, अगर आप लेट नाइट पढ़ते हो, तो जो आपका सबसे बेस्ट टाइम है, जिसमें आपको बहुत जल्दी याद होता है, उस टाइम को आपको सबसे ज़्यादा अपने उस टॉपिक के अंदर लगाने जो आपका हार्ड है। हार्ड टॉपिक को अगर आप अर्ली बर्ड हो, तो आप सुबह मॉर्निंग में उठते ही उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप लेट नाइट बिल्कुल रात में पढ़ते हैं, तो आप अपने उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को रात में इफेक्टिव टाइम पे पढ़ना स्टार्ट कर दें। उसके बाद आपको अपने टाइम को छोटी छोटी चीज़ें, ब्रश करने में, वॉशरूम जाने में, किसी आपको फ्रंट फ्रेंड से फ़ोन पे बात करनी है, इनमें वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने सभी टाइम को किस में यूज़ करना है, प्रोडक्टिव यूज़ करना है। तो इन छोटे छोटे जहाँ पे आपके टाइम वेस्ट हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है बाय योरसेल्फ। सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करो कि मेरा कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, और उस टाइम को प्रोडक्टिवली आपको यूटिलाइज करना है आपकी स्टडी में, आपकी पढ़ाई में, आपके वर्क में। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया कि आपको सुबह उठते से ही और रात को सोने से पहले
जो भी आपका सबसे कॉन्सेंट्रेशन फोकस्ड वाला माइंड वाला टाइम है उसमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम टाइम टेबल बना के दे दीजिए। टाइम टेबल बेटा अपने छोटे छोटे गोल्स जो कि बड़े गोल को पाने के लिए आपके जरूरी हैं उसके लिए आपको बनाना है। तो छोटा गोल कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक महीने बाद 30 डेज बाद आपके एग्जाम है तो आपको एक अलग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। अगर आपके 6 महीने बाद कोई एग्जाम है तो आपको 6 मंथ की जर्नी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना होगा। तो गोल के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल भी अपडेट होता है, वेरी होता है। किसी एक वीडियो को देख के आप उसे तय नहीं कर सकते हो कि ये आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। ऐसे हजारों डेटा पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, अदर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपके माइंड को सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको एक जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सट्रैक्ट करके अप्लाई करना। इसके लिए अलग 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 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद पे काम करने की जरूरत है। तो आपने क्या किया, अपना सुबह अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 6 से 8 का टाइम अपना पढ़ाई में दिया, उसके बाद 2 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके आप फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो और आपको 6 घंटे स्कूल में जा रहे हैं तो आपको स्कूल के टाइम को अलग से रख के उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। आपको बेटा ये डिसाइड करना है कि क्या क्या काम आपको नेक्स्ट डे करने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया कि आपको टू डू लिस्ट बनानी है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल की, उसके बाद स्मॉल गोल की, और उसके बाद एवरी डे की टू डू लिस्ट कि आपको कल कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी टास्क करने हैं। 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और आपकी प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगी कि ये काम आपको करने हैं। मैथ्स की ये एक्सरसाइज करनी है, सोशल स्टडी का ये चैप्टर रिवाइज करना है, उसके बाद ये पढ़ना है। तो टाइम टेबल कभी भी एक जैसा नहीं होता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर अपकमिंग गोल आपका टाइम टेबल अपडेट होता है, वेरी होता है। अगर 2 दिन बाद एग्जाम है तो हो सकता है आपको 10 घंटे से ज्यादा 15-16 घंटे भी पढ़ना पड़े रिविजन करने के लिए, बट आपको अपनी 7 से 8 घंटे की स्लीप को सेक्रीफाइस नहीं करना है, राइट? क्योंकि अगर आपने वो सेक्रीफाइस किया तो आप अगले दिन ड्राउजी फील करोगे। तो उस टाइम को एक साइड में रखते हुए आपको अपना ईटिंग हैबिट्स, आपको अपना स्लीपिंग हैबिट और आपको अपना स्टडी हैबिट, ये सब कुछ मेंटेन करते हुए अपना खुद का सेल्फ टाइम टेबल बनाना है। जो टॉपिक आप डिफिकल्ट लगते हैं कि मैम ये समझ में नहीं आते हैं, इस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले जो आपका फोकस टाइम कॉन्सेंट्रेशन वाला टाइम होता है उसके अंदर पढ़ना स्टार्ट करना है और एक ही दिन के अंदर उसका रिविजन भी कर लेना है। इंटरेस्ट डेवलप तब नहीं होता है जब हम उस सब्जेक्ट को बॉदर लेके एक टेंशन लेके पढ़ते हैं। आपको सब्जेक्ट से प्यार करने लग जाओ, उस सब्जेक्ट की मजाक बनाने लग जाओ, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मीम्स अपने दिमाग में सोच लो, उस सब्जेक्ट को कार्टून फॉर्म में, जो भी फॉर्म आपको पसंद है उस तरह से लेने लग जाओ। उसके लिए नेगेटिव बोलना बंद कर दो कि यार ये टॉपिक बहुत हार्ड है, यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। हर चीज़ को अगर आपको अपने 100% मार्क्स चाहिए, अगर आपको 95% मार्क्स चाहिए, तो आपको ऑफकोर्स उस सब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी इफेक्टिवली उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी परसेंटेज में जितने वो सब्जेक्ट करें जिनमें आपको इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ें, नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल के अपने टाइम टेबल को इफेक्टिव बनाओ। एक यूनिक टाइम टेबल आपको बनाना है और सिर्फ कंसिस्टेंटली मजबूत होके उसको फोकसली फॉलो करना है, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना। चाहे उसके लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े, किसी फंक्शन में किसी बर्थडे पार्टी को मिस करना पड़े, घर में बोलना पड़े कि मैं ये काम नहीं करूंगा या करूंगी क्योंकि मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। अगर आपको मुझे कोई भी काम बोलना है तो सिर्फ आप इस टाइम पे बताइए, ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, सबको बता दो कि ये मेरा स्टडी टाइम है, इसमें इसके अलावा मैं और किसी टाइम पे किसी से भी बात नहीं करूंगा, कोई भी काम नहीं करूंगा, राइट? सो एवरी चाइल्ड इज यूनिक, यू हैव योर ओन टाइम टेबल।
आपको अब से अपना टाइम टेबल खुद से बनाना है और कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है और साथ ही साथ टाइम टेबल को अपडेट भी करना है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आपके गोल के अकॉर्डिंग। अगर एग्जाम नज़दीक है तो आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, अगर एग्जाम दूर है तो आप कुछ टाइम तक एक ही टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। बट टाइम टेबल यूनिक नहीं होता, आपकी सिचुएशंस यूनिक होती है, आप यूनिक हो तो आपको अपनी एक कैपेबिलिटी, अपनी सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। और बेटा, प्रोडक्टिव इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। सो ऑल द वेरी बेस्ट।